बारामई के हुए झाबुआ जिले के मेघनगर में नवापाड़ा पाल में रामू मकन के हुए अज्ञात कत्ल का मेघनगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक की बेटी के बयान पर मृतक की पत्नी और एक अन्य से पूछताछ के दौरान कत्ल का खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी और हुर सिंह निवासी झापदरा के बीच प्रेम संबंध के चलते यह हत्या की गई है। हत्या रस्सी का मामला कर मृतक को मारा गया। मेघनगर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी कर धारा 302 201 भादवी के तहत कार्रवाई की है। इस कत्ल के खुलासे में मेघनगर थाना प्रभारी कौशल चौहान, उप निरीक्षक हीरालाल मालीवार, सहायक उप निरीक्षक हरि सिंह चुड़ावत, प्रधान आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक रेखा चौहान और आरक्षक योगेंद्र का कार्य सराहनीय रहा। एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता संदीप खत्री की रिपोर्ट। दिनांक 12/5/2020 को फरियादी मन सिंह पिता मकन सिंह सिंगाड़िया ने निवासी नवापाड़ा पाल के थाना आकर सूचना दी कि ग्राम नवापाड़ा पाल में उसके छोटे भाई रालू पिता मकन सिंगाड़िया उम्र 26 वर्ष निवासी नवापाड़ा की लाश नग्न अवस्था में उसके घर के कुछ दूरी पे पांगला के खेत में बीड़ में पड़ी हुई है तथा उसे गले व गुप्तांगों में गंभीर चोट लगी हुई है। फरियादी की सूचना पर थाना मेघनगर पर अपराध क्रमांक 119/2020 धारा 302/201 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौराने विवेचना में मई फोर्स के घटना स्थल पे रवाना हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी राम सिंह मुजालदे भी घटनास्थल पर पहुंचे थे तथा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने हेतु निर्देश दिए गए थे। मृतक रालू को गले व गुप्तांग में गंभीर चोट लगना दिखाई दे रही थी। प्रथम दृष्टया देखने में यह प्रतीत हो रहा था कि मृतक रालू की हत्या गला दबाने व गुप्तांग में गंभीर चोट पहुँचने से हुई है। विवेचना के दौरान साक्षीगणों के कथन लेख किए गए प्रकरण में एकमात्र चश्मदीद साक्षी मृतक की लड़की पूजा सिंगाड़िया जिसकी उम्र करीब 9 वर्ष है उसके कथन लेख किए गए थे। मृतक की लड़की पूजा के द्वारा बताया था कि उसके पिता रालू की हत्या रात में उसकी मां कालीबाई व ग्राम झापदरा के हुरसिंह चरपोटा के द्वारा गला दबाकर व गुप्तांग में चोट पहुंचाकर की गई थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 17/5/2020 को आरोपी कालीबाई को पकड़ा व उस कालीबाई व हुरसिंह को पकड़ा उससे पूछताछ कर उन्होंने बताया कि कालीबाई ने बताया कि पिछले 2-3 साल से हुरसिंह से अवैध संबंध थे और वह हुरसिंह से शादी करना चाहती थी इसलिए दोनों ने मिलकर उसके पति रालू को मार डाला, गला दबाकर रस्सी से गला दबाया और उसके बाद में फिर वो तड़पता रहा, नहीं उसकी जान गई तो फिर उसने उसके गुप्तांग को भी खींच दिया है। गुप्तांग में भी चोट लगी थी और खून निकला हुआ था। आज दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और आज न्यायालय उनको पेश किया जाएगा।